दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपने रैनसमवेयर प्रोटेक्शन को ऑन किया है अपने विंडोज 10 कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं वो यूज़र फोल्डर ब्लॉक होने की वजह से पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यूज़र डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है VHDC में, मतलब दो फाइल मैंने लिए हैं, एक ऑडियो और एक फ़ोटो, और मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये इस तरह का एरर आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आती है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसको हम अभी मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी को ओपन करना है हमको, और यहाँ पे ओपन विंडो सिक्योरिटी, देन यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, और यहाँ पे हमको नीचे जाना है रैनसमवेयर प्रोटेक्शन में मैनेज रन, इसमें भी जा सकते, इसमें भी यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो भी पहुँच जाएंगे, यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस ये जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम नीचे ब्लॉक फोल्डर, और यहाँ पे हमको अलाउ इन ऐप्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वैसे तो आप फोल्डर को भी स्पेशल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी मालवेयर आपके कंप्यूटर को अटैक कर सकता है, इसलिए हम जो भी प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एड एन अलाउ ऐप पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे ब्राउज ऑल ऐप्स पे हम क्लिक कर देते हैं, और लोकल डिस्क सी, उसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम है उस पर आपको क्लिक करना है। तो प्रोग्राम फाइल, और इसके बाद हमको VSDC का जो फोल्डर है उसको हम अलाउ करते हैं। तो हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका जो भी प्रोग्राम है उसके फोल्डर के अंदर, इसके अंदर जहाँ से आपका प्रोग्राम रन करता है उस सेटअप को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने VHDC को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो अब ये परमिशन अलाउ हो गई है। अब हम यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।